हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नियाज और आप देख रहे हैं ओलंपिया टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले ली हेनी की। अगर हम उनके मिस्टर ओलंपिया टाइटल को देखें तो अंटिल 2005 तक मोस्ट नंबर ऑफ मिस्टर ओलंपिया टाइटल को जीतने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम था। लेकिन 2005 में रॉनी कोलमैन ने इस रिकॉर्ड को इक्वल किया अपने 8th मिस्टर ओलंपिया टाइटल को जीत के। तो ली हेनी और रॉनी कोलमैन दोनों ही 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया विनर हैं, जो कि किसी भी बॉडी बिल्डर से ज़्यादा है। लेकिन रॉनी कोलमैन और ली हेनी में एक डिफरेंस ये है कि ली हेनी ने 1984 में एक बार मिस्टर ओलंपिया टाइटल को जीता, तो उसके बाद उनको कोई दूसरा बॉडी बिल्डर बीट नहीं कर पाया मिस्टर ओलंपिया में। वहीं रॉनी कोलमैन अपने लास्ट 2 मिस्टर ओलंपिया में सेकेंड और फोर्थ पोजिशन पर रहे थे। जब ली हेनी ने रिटायरमेंट लिया तो उनकी एज सिर्फ 31 ईयर थी, जो कि बॉडी बिल्डिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी यंग एज थी। क्योंकि अगर आप देखें तो आज के टाइम में बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो कि इस एज में मिस्टर ओलंपिया में अपना डेब्यू करते हैं। तो बहुत से एक्सपर्ट्स का ये भी व्यू पॉइंट है कि ली हेनी चाहते तो 5 से 6 मिस्टर ओलंपिया टाइटल को ऐड कर सकते थे अपने मिस्टर ओलंपिया की टैली में। वैसे ली हेनी एरा एक ऐसा एरा है जिसको हम क्लासिक फिजिक और मैस मॉन्स्टर के बीच का एरा भी मान सकते हैं। ली हेनी ने 1979 में मिस्टर अमेरिका में कम्पीट किया था, जहाँ ये ओवरऑल विनर बने थे। 1982 में NPC नेशनल को जीतने के बाद ये प्रो बॉडी बिल्डर बने थे IFBB के। फिर 1983 में इन्होंने नाइट ऑफ चैम्पियंस में कम्पीट किया था, और ये कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद ली हेनी ने इसी साल ओलंपिया में कम्पीट किया था, जो कि इनका डेब्यू ओलंपिया था और जहां पे इनकी प्लेस आई थी 3rd। और ये फर्स्ट और लास्ट मिस्टर ओलंपिया था जहां इन्होंने कम्पीट किया और ये मिस्टर ओलंपिया टाइटल को नहीं जीत पाए। इसके बाद 1984 से 91 तक मिस्टर ओलंपिया में कोई इनको बीट नहीं कर पाया, एज आई सेड अर्लियर इन दिस वीडियो। तो 1984 में जब ये ली हेनी ने अपना मेडल मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता, तो इनकी एज थी 24, जो कि काफ़ी यंग एज थे। और इस ओलंपिया में मोहम्मद मकावे रनर अप रहे थे, और ली हेनी को सबसे बड़ा राइवल बॉडी बिल्डर माना जाता है मोहम्मद मकावे को। और ली हेनी को मोहम्मद मकावे ने दूसरे कॉम्पिटिशन में कई बार बीट भी किया था। ली हेनी ने ओलंपिया से रिटायरमेंट ले लिया था 1991 ओलंपिया को जीतने के बाद। इसके बाद स्टार्ट होता डोरियन ईट्स एरा। लोगों का मानना है कि ली हेनी ने इसलिए रिटायरमेंट ले लिया जल्दी मिस्टर ओलंपिया से, क्योंकि उनको डर था कि कहीं डोरियन ईट्स उनको बीट ना कर दें। जबकि एक्सपर्ट्स और ली हेनी का व्यू पॉइंट ये है कि वो बहुत कम एज से बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कर रहे थे, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसलिए वो फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते थे, जो कि एक वैलिड रीज़न भी था। क्योंकि अगर आप देखें तो ली हेनी अपने लास्ट मिस्टर ओलंपिया में उनकी लाइफ की बेस्ट फिजिक में थे, जो कि किसी भी बॉडी बिल्डर के साथ ये चीज़ नहीं हुई थी। अगर आप देखें तो आर्नोल्ड जैसे, डोरियन ईट्स या फिर रॉनी कोलमैन को उठा के आप देख लें, ये तीनों बॉडी बिल्डर के साथ ये चीज़ नहीं थी, जबकि ये काफ़ी ग्रेट बॉडी बिल्डर थे। लेकिन ये तीनों बॉडी बिल्डर अपने लास्ट मिस्टर ओलंपिया में अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक लेके नहीं आए थे, लेकिन ये चीज़ ली हेनी के साथ नहीं हुई। ली हेनी अपनी लाइफ की बेस्ट शेप में थे अपने लास्ट मिस्टर ओलंपिया में भी। तो यार, इस चीज़ का तो सवाल ही नहीं उठता कि उन्होंने डोरियन ईट्स से डर के जल्दी रिटायरमेंट ले लिया हो। अगर हम इनके कॉम्पिटेटिव स्टेट्स की बात करें तो ऑफ सीजन इनका वेट 260 पाउंड और कॉम्पिटेटिव इनका वेट 230 पाउंड्स रहा करता था। 1989 में 256 पाउंड में इन्होंने कम्पीट किया था, जो कि इनका हैवीएस्ट वेट था मिस्टर ओलंपिया में। अगर हम ली हेनी के करंट स्टेटस की बात करें तो जनरेशन आयरन, जो कि एक फिटनेस नेटवर्क वेबसाइट है, उस पर इनके वीडियोज़ टाइम टू टाइम आते रहते हैं और ये फिटनेस एडवाइस देते हैं, और साथ ही साथ ये करंट बॉडी बिल्डिंग में क्या चल रहा है उसके ऊपर अपना व्यू रखते हैं। तो बस यही था इस टॉपिक में। मिलते हैं यार अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।